दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी अपने टेलीग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि इसका डिलीट करने का कोई ऑप्शन ऊपर शो नहीं करता है टेलीग्राम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि आप लोग अपने टेलीग्राम अकाउंट को डिलीट कैसे कर पाएंगे, वो भी तुरंत के तुरंत। जस्ट अभी डिलीट करके दिखा रहा हूँ इस अकाउंट को, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना जब आपका चैनल जो टेलीग्राम अकाउंट है वो डिलीट हो जाए। उसके बाद आप लोग चाहे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर एक थ्री लाइंस दिखती हैं, यहाँ पर टॉप पर आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पोर्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखता है नीचे, ठीक है, ये रहा। आपको सिंपल से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और यूज़र नेम यहाँ पर शो कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये लिखा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट माई अकाउंट, ठीक है। दोस्तों ये आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका अकाउंट अर्जेंटली अभी डिलीट नहीं करना, बाद में कभी करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि डिलीट माय अकाउंट इट वे फॉर, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा एक मंथ, तीन मंथ, छः मंथ, एक ईयर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने अकाउंट को सेल्फ डिलीट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब कब होगा, हम यहाँ पर एक मंथ अगर सेट कर देते हैं तो अगर हम एक महीने तक टेलीग्राम को चलाएंगे नहीं, मतलब उसमें लॉगिन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो टेलीग्राम क्या करेगा, हमारे अकाउंट को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। यहीं अगर हम छः महीने लगाएंगे तो छः महीने तक अगर हमने टेलीग्राम को यूज़ नहीं किया तो टेलीग्राम हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। तो इसका मतलब यही है, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको अभी अर्जेंटली डिलीट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है इसी में, और आपको नीचे से दूसरे नंबर पर दिखेगा टेलीग्राम FAQ, ये देखिए, ठीक है। आपको टेलीग्राम FAQ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से नीचे चलना है। सबसे पहले आपको एक जनरल का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना। टेलीग्राम बेसिक्स, ग्रुप्स एंड चैनल्स, यूज़र नेम्स, T.me, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैट, योर अकाउंट। यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, एक कॉलम दिखेगा योर अकाउंट का, ठीक है। आपको इसी के अंदर जो कुछ मिलेगा वो मैं आप बताने वाला हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है डिलीट योर टेलीग्राम अकाउंट। देख पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आते ही दोस्तों आपको अब यहाँ ऊपर डीएक्टिवेशन पेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस पर नीली वेबसाइट पर ले जाएगा, नीला नीला लिख कर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे या क्रोम पर, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहां पर आ चुके हैं। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आप लोग अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करेंगे। तो मैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं। दोस्तों मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहां पर सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये, ठीक है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपकी टेलीग्राम अकाउंट पर एक कोड भेजा जाएगा। दोस्तों कोड भेजा जाएगा वो भी टेलीग्राम अकाउंट पर, ना कि मैसेज में। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मैसेज में नहीं, टेलीग्राम पर भेजा जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग आ जाएंगे अपने टेलीग्राम अकाउंट में, और टेलीग्राम अकाउंट में आपको एक मैसेज दिख जाएगा जो कि टेलीग्राम की तरफ से भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम का एक ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको एक कोड दिखा दिया जाएगा, वही कोड आपको वहाँ पर एंटर करना है। तो कोड आपका ये रहा, आप इसको कॉपी करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, आपको ये बिल्कुल यहीं पर टाइप कर लेना है। तो टाइप आपको सब कुछ करना है, यहाँ पर ये नीचे आपको लाइन दिख रही है, ये भी एक कोड में शामिल है, ठीक है। ऐसे करके आपको इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके वहाँ पर जाएंगे अब पेज पे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंफर्मेशन कोड में आपको ये पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे आप दोस्तों आपको यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, ये नीचे, आपको सिंपल से साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे योर टेलीग्राम अकाउंट, आप दोस्तों हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एक बीच में एक बटन दिखता है डिलीट अकाउंट का, ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्यों डिलीट कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर कुछ भी लिख दीजिए, अपनी मर्जी है। डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
अब उसके बाद दोस्तों ये फाइनल पूछा जा रहा है कि हम हाँ सच में डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग रेड वाले पे क्लिक कर देंगे, यस डिलीट माई टेलीग्राम अकाउंट। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख कर आ गया है योर अकाउंट वाज सक्सेसफुली डिलीटेड फ्रॉम आवर सिस्टम। अब हमारा जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। अब सक्सेसफुली आप लोग जो है अपना जो टेंशन दूर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।